लॉन भी है और ये छोटा लॉन है जिसका मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। इसमें हमने सीक्वेंस के साथ सारे प्लांटेशन की है और इसमें डिज़ाइनिंग की है। आप देख सकते हैं फुटबॉल बॉक्सेस, फुटबॉल है, कोने हैं और कॉर्नर्स में हमने कॉपर नेशिया यूज़ किए हैं, लगाए हैं। इसमें डिज़ाइनिंग की है, एजिंग शीट और प्लांट्स ग्राउंड कवर्स की हैज लगाई है। और उसके बाद मैं आपको मेन लॉन दिखाता हूँ। ये है हमारा मेन लॉन जिसमें हमने एंट्रेंस भी बनाई है और इस तरह लेफ़्ट और राइट पे सेम टू सेम प्लांटेशन हुई है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा कॉर्नर आ गया जिसमें फॉक्सटेल पाम है, थ्री हेड पांडा साइडों पे लेफ़्ट राइट, और हमने स्टोन वर्क भी किया है। और इसी तरह से ये फ्रंट पे और ये भी कॉर्नर सेम। एक इसमें हमारा छोटा कटिंग में ये लॉन है। उसके बाद मैं आपको मेन लॉन भी दिखाता हूँ। इसमें भी हमने कॉपर नेशिया स्पायरल और बोनसाई लगाई है जिसमें स्टोन वर्क भी हमारा हुआ है, एजिंग शीट यूज़ हुई है, हमने कोरियन ग्रास इसमें प्लान किया है। और ये मेन यहाँ पे लॉन है, यहाँ पे कटिंग में एक ये लॉन है छोटा सा, इसमें हमने फुटबॉल बॉक्सेस और कोने बोनसाई लगाई है जिसके साथ फ्रूट प्लांट्स भी लगाए हैं फ्रूट्स। और इस तरह हमने टेपिंग करके इसको, ये देख सकते हैं ग्रास जो है कोरियन ग्रास हमने लगाया है। और उसके बाद इस साइड पर आ जाएँ तो यहाँ से हमारा लॉन शुरू होता है। ये हमने नीचे ग्राउंड कवर्स का बेड बनाया है, इसको हैजिंग होगी, बड़ा खूबसूरत बन जाएगा इंशाल्लाह एक दो महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह। और ये हमारा है जी मेन लॉन जिसमें हमने कॉर्नर पे यहाँ पे थ्री हेड पांडा लगाया है, छोटी सी क्यारी बनाई है। और ये बिल्कुल लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रख के हमने फ्रूट्स प्लांट लगाए हैं। और उसके बाद ये वॉल के साथ साथ हमने डिज़ाइनिंग की है, ये पांडा के थ्री हेड वन हेड जो है थ्री ग्रुपिंग में लगाया, और ये भी थ्री हेड पांडा। उसके बाद पाम ट्री यहाँ पे लगाए और इसमें वन हेड बंटा का। इसी तरह से हमारा ये कॉर्नर आ गया, कॉर्नर में हमने इस तरह से छोटे प्लांट्स लगा के इसमें इसकी खूबसूरती बना दी है।